The giraffe is no more. Assalamu alaikum friends. How are you all? आज मैं आपको जिराफ के बारे में एक कहानी सुनाऊंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। साद और सारा आज बहुत खुश है। वो अपने पेरेंट्स के साथ जू जा रहे हैं। वो सुबह 10 बजे जू पहुंच जाते हैं। वो जानवरों को देखकर बहुत खुश होते हैं। सबसे पहले वो हाथी के पिंजरे के पास जाते हैं। एलिफेंट बड़े मज़े से पत्ते खा रहा होता है। वहाँ पर बहुत सारे लायंस और टाइगर्स भी होते हैं। शेर को देखकर सारा डर जाती है। वो आगे चलते जाते हैं और जिराफ के पिंजरे के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन जिराफ का पिंजरा खाली होता है। सारा अपने अब्बू से पूछती है कि जिराफ कहाँ है। सारा के अब्बू बच्चों को बताते हैं कि जिराफ मर गया है। ये सुनकर बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। साथ अब्बू से पूछता है कि जिराफा कैसे मरा। अब्बू बच्चों को बताते हैं कि न्यूज़पेपर में जिराफ के मरने की खबर आई थी। जिराफ ने बहुत सारे प्लास्टिक बैग्स खा लिए थे, जिसकी वजह से जिराफ मर गया। लोग जू में सैर तफरी के लिए आते हैं, लेकिन जगह जगह प्लास्टिक बैग्स और रैपर फेंक जाते हैं। जानवर उन प्लास्टिक बैग्स को खा लेते हैं और ये प्लास्टिक उनके जिस्म में जाकर जमा हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी मौत वाकया हो जाती है। ये सुनकर सारा और साद की बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। लेसन, सो फ्रेंड्स, इस स्टोरी से हमें क्या मॉरल हासिल होता है? हमें ये लेसन हासिल हुआ कि हमें हर जगह प्लास्टिक बैग्स और रैपर्स नहीं फेंकने चाहिए, बल्कि डस्टबिन का यूज़ करें और सारा कचरा डस्टबिन में डालें। ओके फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।